रावगढ़ सब स्टेशन से आए मजदूर। नौ में से छह इधर गया, तीन स्टार्ट कर रहे हैं, तीन कर रहे हैं, तीन स्टार्ट कर रहे हैं। रावगढ़ सब स्टेशन से आए कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार हर कर्मचारी से उसके वेतन देने से पहले 2800 रुपये अपने कमीशन के रूप में लेता है। करीब एक साल से इन लोगों ने कमीशन देना बंद कर दिया, जिसके चलते ठेकेदार ने उन सभी की तनख्वाह रोक ली है। इन सभी की मांग है कि जल्द से जल्द उनकी तनख्वाह दिलवाई जाए, जिससे वह अपने परिवारजनों का जीवन यापन कर सकें। रावगढ़ 132 के भी सब स्टेशन से आए हैं, जो कि हमारी शिकायत है। जहाँ से ठेकेदार हमको 10,000, 9,799 और ऑपरेट गाइड की 7,412 सैलरी देता है। इसमें से आज तक एक साल से ठेकेदार ऑपरेटर से 2800 रुपये और गार्ड से 1400 रुपये रिटर्न लेता है, जो तीन महीने से हम समस्त स्टाफ ने रिटर्न देना बंद कर दिया है। जिस दिन से बंद किया उस दिन से ठेकेदार ने हमारे खाते में सैलरी डालना बंद कर दी है, और ये बोलता है कि मैं तुम सब लोगों को भगा दूंगा, तुम मेरा पैसे वापस नहीं करोगे, जो मेरा कमीशन बंधा है आप लोगों से वो पैसे वापस करते रहोगे तो नौकरी करते रहना, और वापस नहीं दोगे तो मैं समस्त स्टाफ को भगा दूंगा और ना ही सैलरी दूंगा। चाहे आप किसी की जगह चले जाओ, 181 पे कंप्लेंट करो, चाहे कलेक्टर महोदय के पास जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ठेकेदार हूँ, मैं इसी तरीके से मेरा ठेका चलाऊँगा, करना हो तो काम करो, नहीं करना हो तो घर जाओ।